वन बाय टू,
लिए क्या करना, हमें फ्रैक्शन लिखना है, तो हम कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम टोटल ये देखिए कितने पार्ट्स करते हैं, 1 2 3 4, कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स। तो हम टोटल, मैंने आपको बताया था टोटल क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखो कितने, वो बोलेंगे कि जो हमें फ्रैक्शन लिखना है वो शेडेड पार्ट के लिए लिखना है या अनशेडेड पार्ट के लिए लिखना है, ठीक है। शेड मतलब जिसमें कलर कर रखा है और अनशेडेड जिसमें कलर नहीं कर रखा है। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि फ्रैक्शन है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट, ठीक है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट, तो हमें जो शेड कर रखी होगी जिसे कलर करना होगा उसके लिए फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। अब देखो कलर कितने में कर रखा है, 1 पार्ट A 2 पार्ट C, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स थे, हमारा क्या कर रखा, कलर कर रखा है, ठीक है। सपोज हमें बोल दे राइट द फ्रैक्शन फॉर द अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट में देखो कितने, 2 ही है ना, अनशेडेड मतलब जिसमें कलर नहीं है, 1 2, तब भी आंसर क्या आएगा हमारा 2/4। अब सपोज मैं एक पे और कलर कर देती हूँ, ठीक है, यही पिक्चर मैंने एक पे और कलर कर दिया, तो तब हमारा ये आंसर नहीं आएगा, तब हमारा आंसर क्या आएगा, देखो टोटल बुक्स हमारे कितने हैं, वही 4 है, 1 2 3 4, तो 4 तो नीचे हमारा सेम रहेगा। लेकिन अगर शेडेड पार्ट के लिए हमें बोलते हैं राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट, तो हमें क्या है, अब देखो हमारा 1 2 3, 3 शेडेड पार्ट्स हो गए ना, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। और अगर ये बोलते हैं राइट द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट, तो उसमें अनशेडेड पार्ट कितना है, 1 है ना हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4, ठीक है, ये शेडेड के लिए और ये क्या है, अनशेडेड के लिए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर न्यूमरेटर। अब देखिए सपोज आपको कोई पिक्चर दे देता हूं, बॉक्स दे दिए, 1 2 3 4 5 6, ओके, ये क्या दे दिए, 6 बॉक्स दे रखे हैं, और क्या बोल दिया कि इसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। वो ये भी बोल सकते हैं 1/3 में डिवाइड करना है, 1/4 में डिवाइड करना है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं 2/4 में डिवाइड करना है या 1/2 में डिवाइड करना है। अगर ये बोलते हैं कि इक्वली पार्ट्स में 1/2 में डिवाइड करना है, ठीक है, तो हमें क्या, हमारे हमें टोटल पार्ट्स कितने करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं, और 2 पार्ट देखो कैसे होंगे कि इक्वल इक्वल चीजें हैं हमारी, हमें देखो बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे भी उतने पार्ट्स आने चाहिए और यहाँ पे भी उतने पार्ट्स आने चाहिए, और टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने टोटल, 6 है ना। अगर इक्वल इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, 3 एक साइड आएंगे और 3 दूसरी साइड आएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा हमारा और एक ये हो जाएगा, ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा, हम ऐसे ड्रॉ ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ कर देंगे, हम इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर बोल दे, अगर यहाँ तो 2 है ना, अगर बोल दे कि 3 मिनट्स हो गए, मतलब टोटल पार्ट कितने कर रहे हैं, 3, और तीनों पार्ट क्या कर रहे हैं हमें, इक्वल इक्वल, तो देखो कैसे होएगा, कैसे होगा, वही हमने लाइन लगा ली है, लेकिन लाइन कितनी लगेगी, 2 लाइन्स लगेगी, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, 1 2 और 3, तो 2 लाइन्स लगेंगी। अब देखो हमारे कितने आ सकते हैं, हमने 1 यहाँ पे रख दिया, ठीक है, 1 यहाँ पे रख दिया और 1 यहाँ पे रख दिया, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। अब देखो अब कितने बॉक्स आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, कितने बचे हैं हमारे, 3 बचे ना, फिर से 1 यहाँ कर दिया, 1 यहाँ कर दिया और 1 यहाँ कर दिया हमने, हो गए ना हमारे इक्वल पार्ट्स। तो ये होता है हमारा, ऐसे इसको फ्रैक्शन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ओके। अब देखिए मान लो आप कोई और पिक्चर दे रखी है, मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, आपसे ये पूछेंगे कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है या नहीं, मैं इसमें 2 लाइंस ड्रॉ करती हूँ, देखिए अब एक और पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अदरवाइज देखो मैं एक और शेप बनाती, अब देखिए आप पूछेंगे कि आपसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है या नहीं, अब देखिए आपको ये दोनों तो सेम लग रहे होंगे, ठीक है, लग रहे हैं ना, लेकिन ये पार्ट क्या है हमारा, ग्रेटर है, बड़ा लग रहा है ना थोड़ा सा, तो ये हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
क्लास फ्रैक्शन से। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे को